हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं शरीन आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे किचन में। आज मैं बनाने जा रही हूँ बंगाल का फेमस स्ट्रीट फूड चिकन कबीराजी। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को क्लिक कर ले ताकि आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इसके लिए मैंने चिकन का ब्रेस्ट पार्ट लिया है, उसको इस तरीके से हम लोगों को प्लेन में काट लेना है। ये आप देख सकते हैं, इस तरीके से आपको पतला काट लेना है। आप इसको हाफ हाफ करके भी काट सकते हैं। अगर आप लंबाई में काट रहे हैं जैसे मैंने अभी पीसेस किया है तो उसमें आपके दो लंबे कबीराज बन जाएंगे और बाकी के छोटे छोटे इस तरीके के पीसेस आपको रह जाएंगे। अभी इसमें मैरिनेशन करने के लिए हमें चाहिए, मैंने यहाँ पर लिया है एक प्याज, थोड़ा अदरक, लहसुन, पुदीना और हरा धनिया और मिर्ची आप आपके स्वाद के हिसाब से घटा बढ़ा सकते हैं। अब इन सब का आपको एक महीन पेस्ट बना लेना है। अब चिकन में हमें ये पूरा पेस्ट डाल देना है। इसमें स्वाद अनुसार नमक डालना है, 3 से 4 बड़े चम्मच दही डालेंगे इसमें। इसके बाद इसमें डालना है 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर और 1/2 चम्मच ज़ीरा पाउडर। ये सबको हम लोगों को मिक्स कर लेना है अच्छे से कम 1 घंटे के लिए आपको मैरिनेशन के लिए रखना है। 1 घंटे से ज़्यादा अगर आप रखना चाहें तो वेल एंड गुड, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। जितना आप ज़्यादा रखेंगे उतना ज़्यादा चिकन कबीराज अच्छा बनकर तैयार होगा। अब फ्राई के लिए मैंने यहाँ पर लिया है कॉर्नफ्लावर, ब्रेड क्रम्स और अंडा। पहले चिकन को कॉर्नफ्लावर से अच्छे से कोट कर लेंगे, फिर अंडे में डिप करके उसको क्रम से कवर कर देना है। इसी तरीके से आपको सारे चिकन के पीसेस को भी कॉर्नफ्लावर, अंडा और ब्रेड क्रम से कोट कर लेना है। यहाँ पर पैन में मैंने तेल ले लिया है, ये चिकन को हमें फ्राई करना है। फ्राई बहुत ज़्यादा नहीं करना है क्योंकि इसको हम बाद में भी फ्राई करने वाले हैं। चिकन को हाफ फ्राई करना है और एक साइड से अच्छे से फ्राई हो गया उसके बाद ही इसको पलटना है। अब यहाँ से सारे स्टेप्स आप ध्यान से देखिए, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। अब अगर यहाँ तक आप वीडियो देख रहे हैं मतलब आपको रेसिपी पसंद आई है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अब ये मीडियम फ्राई हो गया है, इसको आप एक प्लेट में निकाल लेना है। अब यहाँ से स्टेप्स बहुत ध्यान से देखिए, हमें अंडे को इस तरीके से एक जाली बना लेना है। अंडे की इस तरीके से आपको थोड़ा 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 डाल के आपको एक जाली बना लेना है। इस टाइम पे फ्लेम को लो टू मीडियम फ्लेम पे ही रखना है। अब इसमें चिकन ये डालना है और जो अपना अंडा है उसको इस तरीके से कवर कर लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अंडे की जाली पूरी तरह से चिकन पे कवर नहीं हुई है, तो इसके लिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा और अंडा इस टाइप से स्प्रेड कर दूँगी, थोड़ा सा और जाली बना लूँगी ताकि ये चिकन अच्छे से ढक जाए। आपको भी इसी तरीके से करना है। अगर आपका चिकन पूरी तरह से नहीं ढका तो साइड से आप थोड़ा सा और अंडा डाल के उसको ढक सकते हैं। अभी इसको पलट लेना है और दूसरे साइड से भी अच्छे से फ्राई कर लेना है और ट्रस्ट में इसका टेस्ट बहुत ही लाजवाब होता है। और हाँ, यहाँ पर ध्यान देने वाली ये भी बात है कि डबल फ्राई करने की वजह से तेल काफ़ी रहता है इसमें, तो आप जो पेपर टॉवल है या टिश्यूज़ हैं वो डबल या ट्रिपल यूज़ करें। यकीन मानिए दोस्तों, ये जितना डिफ़िकल्ट दिख रहा है उतना डिफ़िकल्ट है नहीं। अगर मैं बना सकती हूँ तो कोई भी आराम से बना लेगा। ले लीजिए, चिकन कबीराजी तैयार है। इसको गर्मा गर्म सर्व कीजिए हरी चटनी के साथ, सॉस के साथ, टोमेटो सॉस के साथ, कोई भी सॉस के साथ। ये बहुत ही बढ़िया बनता है और बहुत कम टाइम में बन जाता है। सिर्फ मैरिनेशन के लिए इसको टाइम लगता है। वीडियो अगर अच्छी लगी है दोस्तों तो ज़रूर लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिए। चलिए आज के लिए इतना ही, बाय बाय।